सो विटामिन सी जो है वो क्या है? तो विटामिन सी इज द को फैक्टर ऑफ प्रोलिल हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, ओके, दैट कन्वर्ट्स प्रो टू क्या? हाई प्रो, ओके। सो डेफिशिएंसी ऑफ क्या? अगर आप नहीं खाओगे विटामिन सी तो क्या विटामिन होगा? तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी हेंस रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ फॉल्टी कोलाजन। क्यों? आप हाई प्रो बना ही नहीं सकते, तो इसलिए रिजल्ट्स इन फॉल्टी कोलाजन। दिस रिजल्ट्स इन स्कर्वी, दैट इज क्या? ब्लीडिंग इन द गम्स ब्लीडिंग गम्स। तो अगर आपको ध्यान है, हमने टिश्यूज में पढ़ा था कि मेन रीजन बिहाइंड, मेन प्रोटीन बिहाइंड रिपेयर रिजनरेशन कौन है? बोलो। तो रिपेयर रिजनरेशन के लिए मेन कौन है? कोलाजेन। तो अगर आपका कोलाजेन ही सही नहीं बन रहा तो क्या होगा? यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? तो इसीलिए सिंस आपका कोलाजेन बनेगा ही नहीं प्रॉपर, तो आपका रिपेयर रिजनरेशन ठीक से नहीं होगा। तो जब रिपेयर रिजनरेशन ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा? बोलिए। आपका गम्स ब्लीड करेगा, तो डैमेज गम्स विल ऑलवेज कीप ब्लीडिंग, एंड इसी को हम लोग कौन सा डिजीज कहते हैं? स्कर्वी। होता ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कर्वी। चलिए, तो इसको थोड़ा कॉपी करके उधर ले जाते हैं। ओके, सो नाउ विल ऐड अनदर पेज। तो नाउ वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट? रिलीव बोलो। प्रोलीन। तो अब हम लोगों ने प्रोलीन का इम्पोर्टेंस पढ़ लिया, अब उसका नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? तो पी के बाद क्या आता है? क्यू। डी के बाद आता है क्यू। क्यू स्टैंड्स फॉर जीएलएन, जीएलएन स्टैंड्स फॉर ग्लूटामिन। तो ग्लूटामिन स्टैंड्स फॉर व्हाट? बोलो। सेम जो एस्पार्जिन हमने डिस्कस किया था उसी का कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे, ओके। एंड इधर भी वही करेंगे, उसका प्रॉपर्टीज उसको कॉपी इधर पेस्ट, ओके। तो इसमें बस यस एक और एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा? CH2। तो ये होगा CH2, CH2, CONH2। तो इट हैज एन अमीड ग्रुप इन साइड चेन, ओके। इट हैज एन अमाइड ग्रुप इन साइड चेन। इट इज द अमीनो डेरिवेटिव ऑफ कौन सा अमीनो एसिड? ग्लूटामिक एसिड, ओके। बस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पोलर बट अनचार्ज्ड। अंडरस्टूड? बिल्कुल तो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? क्यू के बाद क्या है? आर। आर से क्या आ जाएगा? आर्जिनिन। तो आर से क्या आ जाएगा? आर्जिनिन ना। सो आर्जिनिन क्या है बताओ? तो आर्जिनिन जो है ये भी आपका पोलर पॉजिटिवली चार्ज है। तो इट इज, ओके, इट इज द लार्जेस्ट अमीनो एसिड, सेकेंड लार्जेस्ट लिख देंगे, स्लाइसिंग सेकेंड, नहीं, जो लाइसिन है लॉन्गेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट होगा ट्रिप्टोफैन एक्चुअली। तो इट इज अच्छा द सेकेंड लार्जेस्ट अमीनो एसिड, तो आफ्टर ट्रिप्टोफैन, ओके। तो ट्रिप्टोफैन सबसे बड़ा होता है, तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट अमीनो एसिड।
आफ्टर ट्रिप्टोफैन. सो इसमें कौन सा है, तो इट हैज ए डेल्टा गुआनिडियम ग्रुप. ठीक है, उसको हम लोग गुआनिडियम ग्रुप कहते हैं. सो इट हैज ए डेल्टा गुआनिडियम ग्रुप. तो गुआनिडियम ग्रुप क्या होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा साइड चेन होता है जिसमें आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. फाइन, सो इट विल हैव अ लार्ज ग्रुप. तो वही उसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं. बट आफ्टर क्या, प्रोसेसिंग. सब प्रॉब्लम क्या ना, इस तरह से लिख देते हैं ना, तो उसको कॉपी करने में गड़बड़ी होता है. चलो इस तरह से कर देते हैं आपका. नाउ इसमें जो ग्वानिडियम ग्रुप होगा उसमें आपका क्या होगा, यू विल हैव ए एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप. तो वो क्या हो जाएगा, तो पोलर हो जाएगा. ओके, सो लाइक दैट. तो इधर हम लोग लिखेंगे अल्टा एस. ओके, सो ये हमारा आ गया साइड चेन, देख रहे हो. चलो ठीक है, इसके सामने रख देते हैं आपका. देख रहे हो, सो CH2 CH2 CH2. तो ये क्या होगा, अल्फा था उधर, बीटा गामा डेल्टा, है समझ समझ लो कि नहीं. तो आपका सी अल्फा के बाद क्या होगा, बीटा, उसके बाद क्या होगा, गामा, उसके बाद क्या होगा, डेल्टा. तो इसीलिए डेल्टा में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, डेल्टा में कौन सा ग्रुप है, सो दैट इज कॉल्ड गुआनिडियम ग्रुप. फाइन, ये है आपका गुआनिडियम. अच्छा, सो इट हैज द सेकंड लार्जेस्ट, इट हैज अ डेल्टा, ये जो ग्रुप है इसको गुआनिडियम. इधर देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज है, तो डेल्टा गुआनिडियम ग्रुप. तो इट हैज क्या, तो इट हैज अ डेल्टा गुआनिडियम ग्रुप विच हैज कॉमा विच हैज एन क्या, विच हैज ए क्या, विच हैज एन एक्स्ट्रा, यस एक्स्ट्रा क्या, NH2 ग्रुप. ओके, सो पोलर क्या, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, समझ रहे हो. सो पोलर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, समझ आया. सो ये पोलर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, अंडरस्टूड. तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज हैंस नोन एज क्या, डाई एमिनो क्या, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसको वहां भी लिखना चाहिए था कि नहीं, तो इसलिए आप लोगों ने कुछ बोला नहीं मेरे को. तो लाइसिन में जी, लाइसिन किधर गया, इधर, तो इधर भी लिखना पड़ेगा ना. सो इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा वो, कोई शक. नो सर, इसको काट देंगे. चलो अर्जुन, बीटा गामा डेल्टा का काउंटिंग हम लेफ्ट से करेंगे ना, क्या सर, ये बीटा गामा डेल्टा का काउंटिंग हमेशा लेफ्ट साइड से करेंगे. नहीं, लेफ्ट राइट ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स कि ये बॉन्ड कहाँ है. एक्चुअली मैं वहाँ बॉन्ड लगा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो उसको एक ग्रुप अलर्ट है ना, तो आपका यहाँ एक ऐसा बॉन्ड होगा.
ठीक है जी। ठीक तो देख रहे हो ना, एंड यू ऑल्सो नो दैट ये जो इस कार्बन का कितना बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहा है, इसका तीन थ्री हो, एक और बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो वो कहाँ लगेगा, उधर ही लगेगा, लेफ्ट साइड ना। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए हाँ, आप उल्टा भी लिख सकते हो उसे, उल्टा सीधा ऐसा कुछ नहीं, आपका बॉन्ड जो है वो बॉन्ड जाके सी अल्फा के साथ लगेगा। ठीक है जी। सो दिस इज द केस, ठीक है, आर्जिनिन। तो अब उसी तरह लाइसिन से वो पॉइंट लिख के आएंगे हम लोग, कौन सा पॉइंट, तो ट्राइप्रोटिक वाला पॉइंट लाएंगे एंड हिस्टोन वाला पॉइंट लाएंगे। कोई शक, कौन इतना टाइप करेगा, है कि नहीं। सो ये भी आपका क्या है, ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड, मतलब अल्फा COH, अल्फा NH3 एंड RNH3। सो वेरी इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड इन हिस्टोन प्रोटीन्स एज वेल एज पॉलीअमीन। ठीक है, तो पॉलीअमीन भी क्या है बोलो, तो पॉलीअमीन जो है वो भी पॉजिटिव प्रोटीन है। ठीक है जी। तो इसलिए आपको याद रखना, इसमें डेल्टा वन के प्रूफ है ना, इट इज डायमिनो मोनोकार्बोक्सिलेट। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड इन हिस्टोन प्रोटीन्स एज वेल एज पॉलीअमीन। ठीक है, तो उसके बाद आ रहे हो क्या, चलो अब हम लोग रेस्ट कर लेंगे, तुम लोग का भी क्लास होगा अगला। ओके, सो जाके खाना खा लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब तुम लोग कैसे स्कूल जाओगे, ना तुम लोग स्कूल में हो। जो लोग स्कूल में नहीं है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, अभी क्लास छोड़कर ब्रेक।